हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वैसे हम लोग अभी पहुंचे हैं जस्ट करीबन आधा घंटा पहले। अभी टाइम कितना हो रहा होगा मालूम नहीं, घर ही अंदर रखा हुआ है। अभी ये पीछे अपना है होटल एंड खाना। हम लोग इतना लंबा राइड करके आया था, कुछ छोटा मोटा कुछ आइटम खाने के लिए मैं ऑर्डर किया था, चिकन पकौड़ा ये सब, तो वो सब जस्ट आया है। एंड मेरे सामने है यहाँ पे पूल, काफ़ी बड़ा पूल है। एंड ये जो होटल है ना, ये जो लाइन में जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, इस तरफ आ जाएगा ढेव सागर। तो ये जो पूरा लाइन है ना, ये पूरा सेक्शन में बहुत सारा नया होटल्स बना है, वहीं पे हम लोग अभी रुके हुए हैं। उसमें से एक तो ये नया होटल है, होटल का नाम है यूनिक इन, एंड ये पूरा नया अभी बना हुआ ही है, सब कुछ ही नया है। तो काफ़ी क्या बोले, काफ़ी अच्छा रूम है। आपको रूम दिखा देते पहले अंदर से। सो ये है अपना कुछ रूम इस तरह का, काफ़ी उतना बड़ा नहीं लेकिन काफ़ी सुंदर सा रूम है, एसी रूम। एंड ये था अपना एंट्रेंस, यहाँ पे ये वॉशरूम एंड ये अपना छोटा सा मिरर, ये वार्डरोब एंड ये बेड है। अपने 3 जन यहीं पे एडजस्ट करके सोना पड़ेगा यहाँ पे आज रात को, वो हो जाएगा। एनीवेज यहाँ पे हम लोग खाना भी आ चुका है, छोटा मोटा सा खाने के लिए कुछ हम लोग ऑर्डर कर दिया था, तो वही सब अभी आया है। ये है क्लब चिकन सैंडविच, चिकन पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज। अभी खाएंगे एंड जाएंगे सीधा पूल पे। वैसे अभी टाइम हो रहा है 12:55 एंड अभी हम जो 7:40 पहले इधर आए। तो इससे पहले अगर आप लोग राइड वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार राइड था। एंड इन लोग का ये लोग अभी खाने के लिए लड़ रहे हैं। एनीवेज इन लोग का पहला राइड था, ये लोग बर्गमैन से आए एंड नया स्कूटी लिए थे, स्कूटर लिए थे, बिकॉज वो स्कूटी का स्कूटर ज़्यादा लगता है, स्कूटी साउंड वेरी गर्लिश। इसलिए तेरे बुलेट से ऑलमोस्ट डबल माइलेज दिया है। मेरा बुलेट से काफ़ी ज़्यादा माइलेज दिया, वो तो है 52 जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन। तेरा बुलेट 30 या 32 के आसपास? नहीं, मेरा बुलेट करीबन 40 दिया है, 35 तो दिया ही होगा। कहाँ से जो भी है खर्चा हुआ है तेल में, इसलिए इन लोग का कल रात का तेल से चल रहा है। 500 का तेल में तुम लोग का हो गया था। एनीवे जो भी है वो राइड काफ़ी मज़ेदार था। वो वाला वीडियो पिछला वाला वीडियो है, तो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे। एनीवेज यहाँ पे अभी बज रहा है 12:55 एंड यहाँ खाना का थोड़ा देख ले, बिकॉज पूल से जैसे ही आएंगे ना तो भूख से मरे हुए रहेंगे, तो इसलिए पहले से खाना ऑर्डर दे करके रख रहे हैं। ऑर्डर दे दिए थे क्लब चिकन सैंडविच एंड उसके साथ ये चिकन पकौड़ा। सैंडविच तो भाई सही लग रहा है, काफ़ी फिलिंग सा लग रहा है। देखिए खा के कैसा लगेगा, पकौड़ा ट्राई करके देखिए कैसा है। अच्छा है, चिकन है ना? हाँ चिकन तो है, सही है। इसको भी हम लोग अभी निपटा लेंगे फटाफट। भाई एक नंबर खाना था, मज़ा आ गया खा के। चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा था, तो इससे लग रहा है कि लंच भी अच्छा होगा। लंच हमने भी बहुत कुछ ऑर्डर दिया है, वो जब आएगा नहीं हम लोग सीधा रेस्टोरेंट में ही जाके खा लेंगे। फिलहाल अभी ब्लैक कॉफ़ी बना ले, बिकॉज टायर्ड बहुत है एंड पूल में एक्टिविटी करना है, इसके लिए चाहिए एनर्जी। ये पक्का एकदम मन बना के आई थी कि दीघा में नहाएंगे, पूल में भाई ये तो घर पे डिसाइड था, बीच जाके नहीं नहाएंगे, घर पे डिसाइड था। एक टाइम के लिए मेरे को मन हो रहा था बीच में नहाने का, लेकिन बाहर में इतना धूप था ना कि नोप्स। वैसे ये रूम में इलेक्ट्रिक केटल और यहाँ पे मिनी फ्रिज भी है, तो बहुत सही। ये होना बहुत सही था, बिकॉज मेरे को ब्लैक कॉफ़ी पीना होता है। ऐसे ही थका हुआ है, पूल में भी और थकेगा, पूल में आगे एनर्जी बढ़ेगा अभी, फिर जो क्रैश करेगा खाना खाने के बाद पूरा क्रैश। 554 kg तक है। आप निकलिए बाहर। 44 ठीक से बोल, सॉरी मैं अरे भाई कितना ठंडा है वो, बर्फीला हो गया यहाँ पे सबका पूल पार्टी ओवर एंड सब लोग नहा के अभी निकल चुके हैं। अभी बज रहा है वैसे 3:20 एंड जाएंगे अभी लंच करने के लिए। काफ़ी जोर का भूख लग रहा है। पूल पार्टी में सबका एकदम हालत टाइट हो गया, बिकॉज इतना लंबा राइड करके भी यहाँ पे आया ना, फिर यहाँ पे पूल में भी किया। जाएंगे सीधा खाने के लिए एंड क्या हम लोग ऑर्डर किया क्या नहीं किया वो तो आपको सीधा नीचे रेस्टोरेंट में जाके आपको दिखा देंगे। होटल काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्यारा होटल है एंड रेस्टोरेंट भी इनका काफ़ी सुंदर है। अपना रूम के बाहर में ना ये सब कॉफ़ी और दूध का पैकेट्स रखा हुआ है, ये सब ठीक है, एकदम होलसेल स्टॉक पे रखा हुआ है। ये चोर है एक नंबर की। एक बोल रही है आते टाइम लेंगे, एक तो उठा भी लिए, आते टाइम उठाएंगे, फिर जाते टाइम फिर उठाएंगे, एक और ले लेंगे। पूरा 2500 रुपये यूटिलाइज कर रहा है ना। तो फाइनली लंच वेट हो रहा है। रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है। भाई साहब मेरे यहाँ पे बिरयानी आ गया एंड ये चिकन कोसा एक नंबर है भाई, एक नंबर मसालेदार है, बहुत टेस्टी है। आपका कैसा है? बहुत अच्छा। क्या लिया था? ये इलिश भापा और स्टीम राइस। इलिश भापा है ना, ये पूरा सरसों का एकदम बेस पे, बहुत टेस्टी है भाई, इनका खाना बहुत ही अच्छा है। सो वैसे अभी वैसे 4:10 एंड हम लोग वॉक पे निकल गए, बिकॉज डेली का 10,000 स्टेप्स करना होता है। मजाक कर रहे हैं। अभी लंच बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। लंच बहुत अच्छा था, पूरा एकदम यहाँ तक भर के खाया। वैसे भैया का बासुंदी पुलाव लिया था वो, और उसका जो मटन था ना वो थोड़ा सा क्या बोले हार्ड है, बिकॉज यहाँ पे मटन उतना मिलता नहीं है, लाइक मिलता भी है तो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है यहाँ पे। एनीवेज ये जो पूरा लाइन है ना यहाँ पे ढेव सागर के पास का सेक्शन है, ये ढेव सागर जाने का जो रास्ता है ना वो उसी के बगल में ही आपको बहुत सारा ऐसा होटल्स दिख जाएगा। लाइन से सब नया नया अभी होटल्स बना है यहाँ पे। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो इसमें रुके थे, हाँ GC में। और ये अपना होटल कुछ इस तरह का दिखता है बाहर से, सुंदर होटल है। एंड इसके पीछे में स्विमिंग पूल है और यहाँ पे अपना बाइक्स। One eternity later. सब लोग आकर के ऐसा सोया है जैसे कि हम यहाँ पे सोने ही आए हैं। सब तीनों जन सोए हैं। हम नहीं उठाते अभी तो सब सो ही रहा था, कोई उठने नहीं मांग रहा था। हम जानबूझ के उठते भी सारा लाइट्स ऑन। भाभी खाली अलार्म स्नूज किए जा रही है, उसका तो छोड़ दे, तो उठे अभी भी सो जाएंगे। बाहर में लाइट्स ऑन हो गया ना, बहुत सही सीन है। अभी अभी एक बात ऐसा बोली है जिससे मेरा ब्रेन क्या बोले माइंड का, एक्चुअल में ये होटल में है ना आउटसाइड फूड, आउटसाइड वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं है। तो भाभी बोल रही है कि उनका ही पानी का बोतल को अगर अपने बाहर ले करके जाए और फिर बाहर से भर करके वापस अंदर ले आए। मतलब क्या लेवल में माथा चल रहा है आपका, आप सच में नींद में है। सुबह से आए हुए, लेकिन एक बार भी मैंने अभी तक से सी बीच नहीं देखा, सी बीच का दर्शन मेरा हुआ ही नहीं अभी तक से। तो अभी कितना, अभी 7:17 हो रहा है एंड फाइनली अब निकल रहे सी बीच देखने के लिए। रात में भाई एक नंबर लगता है, लेकिन ये होटल बाहर से बहुत सुंदर सुंदर होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे। बाइक लेके जाएंगे अब समुंदर के पास। अगर आप लोग बाइक या गाड़ी से आ रहे हैं ना, तो ये जो सामने मित्रा कैफे है उसके ही सामने में आपको इतना पार्किंग का जगह मिल जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर बाइक लगा दिया अपना। यहाँ पे तो दुनिया भर का स्टोर्स वगैरह ओपन हो गया, अलबैक ये सब। पहले अलबैक नहीं था, अभी शायद हाल फिलहाल में ओपन हुआ है, मालूम नहीं, बट लास्ट टाइम जब आया था ना तब था नहीं। वॉम मोमो वगैरह वो सब तो रहता ही है। क्या लिया? पार्सल नहीं आएगा, ऐसा आप दे दीजिए। कैसा लग रहा है ये वाला पॉपकॉर्न? KFC से बढ़िया। सो ठीक है, साइज़ थोड़ा बड़ा है। 8 बज रहा है, अब चले सी बीच के पास। एक बार भी नहीं दे दर्शन हुआ है। भर भर के फोटोशूट हो गया हम लोग का। आज का कोटा खत्म। मेरे को लग रहा है मेरा पैर में स्टारफिश है। अब मेन टास्क के ऊपर चढ़ना, मेन टास्क के ऊपर चढ़ना। भाई कितना बार गिरते गिरते बचे हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं तो फिर भी आधा घंटा से बैठे हुए खाना का वेट कर रहे हैं। लास्ट में भाभी को बोले कि आप जा करके बोलिए, थोड़ा रिक्वेस्ट करिए, लड़की देख करके जल्दी बनाएगा। यहाँ पे हम लोग इमिटेट कर रहे हैं। क्या बोल रही होगी वो? भैया थोड़ा जल्दी बनाइए। चिकन बोलेगा अच्छा रुको मैं जल्दी पक पक करके पक जाता हूँ। भाभी अभी रुक जाना, प्यार से बोलिएगा। अगर वो ले आई ना भाई तो ये प्रूफ हो जाएगा, ले आई तो हम जा करके कलेश कर देंगे। फाइनली अपना यहाँ पे खाना आ गया, चिकन स्ट्रिप्स ऑर्डर किए थे यहाँ पे। अच्छा है लाइक गरम उतना टेस्ट नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। ऊपर में जो मसाला दिया ना बहुत अच्छा है। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड अभी टाइम वैसे हो रहा है 8:43 एंड भाई कल रात को वो जो इतना देर रुके थे हम लोग वो खाना के लिए कैफे बाय द सी में, एंड वो एक्चुअल में एक ही बंदा था इसलिए उसको इतना टाइम लग रहा था, लेकिन 30 to 40 मिनट्स रुकने के बाद खाना एकदम बेकार। जैसे जैसे वो सब खा पी करके फिर अपने होटल आ गए एंड होटल में आकर के वी ऑल क्रैश्ड एंड उसके बाद अभी उठे हैं थोड़ा देर पहले। वी ऑल आर रेडी नाउ एंड अपना यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये होता ये लाइक ये अपना पूल व्यू वाला रूम है एंड वहाँ पे वो रिसेप्शन है, एंट्री गेट वहाँ से था। यहाँ पे भी एक एंट्री गेट है बट अपना बाइक वहाँ पे लगाया हुआ है एंड वो मेरा बाइक का फ्रंट व्हील है। अगर यही बाइक सामने की तरफ में होता ना तो मज़ा आ जाता। लाइक एक होता है ना कि होटल रूम से अपना बाइक देखना एक अलग ही फीलिंग आता है। सो एनीवेज अभी सब लोग रेडी हो रहा है, भैया यहाँ पे रेडी हुआ नहीं है, भाभी अंदर है एंड मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ। सो अभी यहाँ पे सारा पैकेजिंग वगैरह सारा पैकिंग हो गया है, तो आप सीधा जाएंगे नीचे अपना एयर सीट को सेट करेंगे एंड लीव नाउ। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एंड बाहर में ब्रेकफास्ट कर लेंगे बिकॉज सी बीच में आए तो यहाँ पे अंडा ब्रेड खाना तो बनता है एंड बाहर वो होटल में काम चल रहा है इसलिए इतना आवाज़ आ रहा था बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे भाभी का भी हो गया रेडी, और आज मेकअप मत करिएगा वरना फिर भूत जैसा हो जाएगा शक्ल, बिकॉज आज भी लंबा राइड करना है। एनीवेज गाइज कल का दिन काफ़ी टायरिंग था बिकॉज कल अपना जो राइड था ना उसके बाद फिर कुछ और करने का था नहीं एंड बस ये खा पी रहे और सी बीच वहाँ पे घूम रहे और कुछ नहीं था। अपने तो मेन आए ही थे राइड करने के लिए, मज़ा बहुत आया था लेकिन। एंड अभी वापस से राइड करके अपने जाएंगे घर की तरफ, करीबन वही 180-200 किलोमीटर्स है। तो एनीवेज ये वाला वीडियो भी यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा एंड मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो। वैसे अपना डेली रिचुअल यहाँ भी नहीं भूला, ब्लैक कॉफ़ी पी करके वीडियो एंड करते हैं अब।